तो सिक्स किंग टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना करने वाले हैं अपना रिटर्न। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जॉन सीना को देखा था वो था समर स्लैम 2021 के मेन इवेंट के अंदर, जब उन्होंने रोमन रेंस को चैलेंज किया था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। इस मैच के अंदर जॉन सीना हार गए थे और उसके बाद से लेके अब तक हमने जॉन सीना का कोई भी रिटर्न नहीं देखा सिवाय एक मैडिसन स्क्वेयर गार्डन के मैच के अंदर, जहाँ उन्होंने स्मैकडाउन के अंदर एक डार्क मैच रेसल किया था रोमन रेंस और उसोस के खिलाफ। लेकिन अब रूमर्स ये आ रहे हैं कि बहुत जल्द जॉन सीना करने वाले हैं अपना दोबारा से WWE के अंदर रिटर्न, और मनी इन द बैंक पेपर भी वो होगा जहां जॉन सीना हमें शायद इस साल रेसल करते हुए दिखाई दें, क्योंकि WWE के प्लान्स ये हैं कि जॉन सीना को मनी इन द बैंक पेपर व्यू से पहले उनका रिटर्न करवाया जाए और मनी इन द बैंक पेपर व्यू के अंदर ही उनका कोई मैच रेसल करवाया जाए किसी न किसी सुपरस्टार के साथ। अगर मैं आप लोगों को मनी इन द बैंक पेपर व्यू के हवाले से बताऊँ तो वो इस साल स्टेडियम के अंदर होगा ये पेपर व्यू, उसी स्टेडियम के अंदर जिस स्टेडियम के अंदर लास्ट ईयर हमें समर स्लैम देखने को मिला था। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि वो कौन से इस वक्त तीन टॉप के सुपरस्टार हैं जिन्हें जॉन सीना फेस कर सकते हैं अपना मनी इन द बैंक से पहले रिटर्न करने के बाद, अगर ये रिटर्न WWE वाकई में करवाती है तो। नंबर 3 पे हमारे पास हैं फिन बैलर। जी हाँ, फिन बैलर जो हैं वो इस साल जॉन सीना अगर अपना रिटर्न करते हैं मनी इन द बैंक पे पर व्यू से पहले तो फिन बैलर वो अपोनेंट हो सकते हैं जो कि जॉन सीना को फेस करें। वैसे तो हमें इन दोनों की जो रिसेंटली इन्वॉल्वमेंट थी वो थी 2018 के रॉयल रंबल के अंदर, जहां जॉन सीना ने फिन बैलर को एलिमिनेट किया था, और उसके बाद लास्ट ईयर 2021 के समर स्लैम के दौरान जब रोमन रेंस ने जॉन सीना का चैलेंज पहले एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था तो फिन बैलर ने रोमन रेंस को चैलेंज किया था यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए, और फिर ये चैओस जिस तरह बैरन कॉर्बिन ने फिन बैलर के ऊपर अटैक किया और जॉन सीना ने उस चीज़ की एडवांटेज उठाई और फिन बैलर की जगह कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया, और फिर जैसे आप लोगों को पता है कि आके जाके जॉन सीना ने ही फेस किया था रोमन रेंस को समर स्लैम के अंदर। तो ये एक चीज़ कोई ना कोई फिन बैलर इस चीज़ को टारगेट करके जॉन सीना के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इस चीज़ के रूमर्स ये भी बहुत ज़्यादा हैं कि आने वाले टाइम के अंदर फिन बैलर जो हैं वो एक हील सुपरस्टार बन जाएंगे और एक हील के तौर पर अपना काम करेंगे मैग्ना रॉ के ऊपर। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या WWE जॉन सीना का रिटर्न करवाने के बाद फिन बैलर को उनका अपोनेंट बनाती है कि नहीं। इसके बाद जो नंबर 2 पे सुपरस्टार हैं जिनके इस वक्त बैटिंग ऑर्डर्स के मुताबिक चांसेस हैं कि अगर जॉन सीना वापस आते हैं तो वो उनको रेसल कर सकते हैं, उनके अपोनेंट बन सकते हैं, वो हैं कोडी रोड्स। इमेजिन करें जिस तरह का स्कॉल कभी कोडी रोड्स का WWE के अंदर जा रहा है, अगर वो जॉन सीना के साथ एक प्रोग्राम के अंदर आते हैं तो कोडी रोड्स की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, और फिर शायद कोडी रोड इस चीज़ के रूमर्स भी बहुत ज़्यादा हैं कि कोडी रोड ही वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि आगे जाके रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए हराएं। लेकिन अगर उस स्टेज पे कोडी रोड्स को लेके जाना है तो मेरे ख्याल से जॉन सीना एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके साथ उनके मैचेस जो हैं, अगर कोडी रोड्स जॉन सीना के साथ कोई मैच रसल करते हैं और अगर जॉन सीना को हरा देते हैं तो फिर डेफिनेटली कोडी रोड्स उन सुपरस्टार की लिस्ट में नंबर 1 पे होंगे जो कि रोमन रेंस को आने वाले टाइम पर यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए हरा सकते हैं। इसके बाद जब बैकिंग ऑक्स के मुताबिक इस वक्त नंबर 1 पे हैं जो कि जॉन सीना के अपोनेंट बन सकते हैं अगर जॉन सीना अपना रिटर्न करते हैं मनी इन द बैंक पेपर व्यू से पहले, वो नाम कोई और नहीं बल्कि बॉबी लैशली का है। जी हाँ, बॉबी लैशली इस वक्त मगन हैक ड्रॉ के ऊपर नंबर 1 है बेबी फेस के हवाले से, यानी कि जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि क्राउड कोडी रोड्स को रिएक्शन दे रहा है, एजी स्टाइल्स को रिएक्शन दे रहे हैं मगन हैक ड्रॉ के ऊपर, लेकिन फिर भी बॉबी लैशली जो हैं WWE की नज़र में वो नंबर 1 बेबी फेस हैं। तो अगर जॉन सीना अपना रिटर्न करते हैं तो बॉबी लैशली जो हैं वो पॉसिबली जॉन सीना के अपोनेंट हो सकते हैं, नेक्स्ट अपोनेंट हो सकते हैं और फेस कर सकते हैं जॉन सीना को इस साल मनी इन द बैंक पे पर व्यू के अंदर। वैसे तो बॉबी लैशली और जॉन सीना के दरमियान आज 10-11 साल पहले मैचेस हो चुके हैं, सिंगल मैचेस 1-2। उस मैचेस के अंदर फ़र्क ये था क्योंकि जॉन सीना जो थे वो उस टाइम WWE चैम्पियन थे और बॉबी लैशली जो थे वो एक न्यू सुपरस्टार थे जो कि WWE के अंदर अपना नाम बनाने की कोशिश करते। लेकिन अगर अब की बात करें तो जॉन सीना जो है वो एक एब्सोल्यूट लेजेंड है WWE के अंदर, और बॉबी लैशली जो है वो भी एक प्रूफ सुपरस्टार हैं, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर सुपरस्टार हैं, 2-time WWE चैम्पियन
हैं। और अगर हम अब की रिसेंटली उनकी विक्ट्रीज की बात करें तो गोल्ड पर और ब्रॉक लेसनर जैसे नाम को बॉबी लैशली ने इस वक्त हराया हुआ है, तो डेफिनेटली बॉबी लैशली का जो है वो स्टॉक इस वक्त काफ़ी ऊपर चल रहा है। और अगर जॉन सीना जैसे सुपरस्टार के खिलाफ एक मैच उन्हें मिल जाता है तो फिर तो भाई बॉबी लैशली के जो कहते हैं ना वारे न्यारे हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी रेसलिंग से जुड़ी कुछ लेकर्स का अपडेट, मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।